समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर तहसील स्तर पर किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को तहसील परिसर के अंदर जाने से पुलिस प्रशासन ने लगाई रोक। उप जिलाधिकारी चायल ज्योति मौर्या को गेट के बाहर ही देना पड़ा ज्ञापन। धरना प्रदर्शन को लेकर सीओ श्यामकांत सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ मौके पर पुलिस प्रशासन रही मुस्तैद। उत्तर प्रदेश के जनपद कौसाम्बी के तहसील चायल में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर चायल तहसील में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे विधानसभा अध्यक्ष वीर सिंह यादव ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चायल उपजिलाधिकारी ज्योति मौर्या के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। इस मौके पर धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष वीर सिंह यादव, चंद्रबली सिंह पटेल, राकेश सिंह पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, अनवर अहमद, आस्था पटेल समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए चायल क्षेत्राधिकारी श्यामकांत समेत चरवा सराय अकील व पीपरी पुलिस के साथ साथ भारी पुलिस बल मौजूद रही। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के आदेश पर हम लोग चायल विधानसभा में महंगाई के उसमें इनके जो अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ विधान का जिला पंचायत का और ब्लॉक प्रमुख का, इनकी तानाशाही रवैया में, इनकी गुंडई के उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार चरम तक फैला दिया। लोगों को महंगाई इतनी दे दिया, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर जितनी भी महंगाई है इनकी चरम सीमा पर जा चुकी है। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2022 में आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जन सुविधा मिलेगी और लोगों को नौकरियाँ मिलेगी और महंगाई कम होगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? अभी पूरे प्रदेश में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज ये प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हाल ही में हुए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह के बीजेपी सरकार के लोगों ने जिस तरह से तांडव मचाया और हमारे प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था ज्ञापन देने का। हमने महामहिम जी को ये ज्ञापन दिया जो है और उनसे ये कहा कि जहाँ जहाँ भी हमारे प्रत्याशी नामांकन करने से रोके गए हैं उन्हें पुनः नामांकन करने की इजाज़त दी जाए, जिससे लोकतंत्र का इन्होंने जो कलंक होता है उसकी भरपाई की जा सके। क्या शुभनाम और पद बताइए? वीर सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चार। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या निर्देश था और किन बिंदुओं के साथ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय नरेश उत्तम जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर, हम लोग नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में तहसीलों पर धांधली जो हुई है पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर हम लोगों ने माध्यम से अपने राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन दिया है। जिस तरह से रोज को रोज महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीबों का कोई उद्धार नहीं हो रहा है, महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, चुनाव में जिस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बढ़ती बेरोजगारी और जो भी अन्य मुद्दे हैं इनको सब लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। जैसा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ इनका नारा ही है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से महिलाओं के रेप हो रहा है और हत्या बलात्कार सब कुछ अपने चरम पे है। शुभ नाम बता दें। आस्था सिंह पटेल, चार विधानसभा।